तो लोकतंत्र के इस पर्व में आप भी भागीदारी बनिए। अगर आपके इलाके में आज मतदान हो रहा है तीसरे चरण का, तो घर से उठिए और अपने मत का इस्तेमाल करिए। उम्मीद है कि आप अब तक अपना वोट डाल चुके होंगे या फिर डालने की तैयारी में होंगे। बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं जो आज के इस चरण के मिजाज को असल में हमको समझाएंगे। परिचय मैं आपको सबसे पहले करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अशोक देव जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ जुड़ रहे हैं देवेंद्र प्रताप सिंह जो कांग्रेस के स्पोक पर्सन है। साथ ही साथ मोहसिन रजा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन है। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले अशोक देव जी, आप ही के लिए सर, ये तीसरा चरण तो गजब का है, बहुत सारी चुनौतियां हैं घर के अंदर। किस तरह से चुनौतियां पार पाएंगे और किस तरह से विजयश्री कहलाएंगे? घनश्याम जी, समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में जब बनी थी तो हमने जो घोषणा पत्र में वादा किया था उसको 2.5 से 3 साल में पूरा कर दिया जी। ये प्रदेश जानती है कि अगर कोई घोषणा पत्र में किया हुआ वादा पूरा करता है तो वो समाजवादी पार्टी करती है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी करते हैं। तो हमें कहीं किसी बात का भय नहीं है, कोई शक नहीं है, हम समाजवादी पार्टी की सरकार कांग्रेस से मिल करके बना रहे हैं। रह गई बात प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी अभी छोटी छोटी बातों को उजागर करते हैं, बात समझ में नहीं आती है। अभी गायत्री की बात कर रहे थे कि उन पर केस हुआ है। देखिए, उन पे साबित नहीं हो गया कि वो बलात्कारी हैं, उन पर ठीक है आरोप लगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, FIR दर्ज हो गया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाह रहा हूं, वो तो प्रधानमंत्री रहते अपने मंत्रालय में निहाल चंद बलात्कारी को मंत्री बनाए हुए अशोक जी, ठीक जब उनका पहला रेल मंत्री थे, वो पहला रेल विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की हो रहे हैं सर, देश के मिजाज को नहीं भाप रहे सर। देश के मिजाज को भापेंगे तो फिर मैं किसी और को सर चर्चा में किसी और को बैठा लिया जाएगा। सर यूपी की बात कर लेते हैं ना, अगर गायत्री प्रजापति का जिक्र कर रहे हैं तो ये भी बता दीजिए ना, एक महिला को FIR दर्ज करने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी आपके राज में? सर मैनिफेस्टो पूरा कर देना आधा अधूरा जरूरी नहीं होता, इंसान की सुरक्षा, उसकी अस्मिता, खासकर महिलाओं की इज्जत ज्यादा जरूरी है। अशोक देव जी, घनश्याम जी, हमने महिलाओं के सुरक्षा के लिए विश्व की सबसे अच्छी स्कीम, एक बता दीजिए ना, आपके राज में एक महिला को FIR दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, क्या दलील देते हैं सर? उसमें जांच हुआ था, जांच में पहले जब जांच हुआ था तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं पाई गई थी, फिर बाकी बाद में जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया तो FIR दर्ज हो गया है। लगे विकास की बात, तो हम तो विकास को लेकर के आगे आ रहे हैं, हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथी से, विकास की बात करिए, काम की बात करिए। आपने 3 साल में जो कोई एक भी काम किया हो बता दीजिए। हमने तो इतनी बड़ी सड़क बना दी 22 महीने में, आप जानते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ऊपर उस पर हमने फाइटर उतार दिया। ये बातें तो बहुत पुरानी हो गई सर, कुछ नया बताइए सर। तीसरे चरण की फोकस बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक बात कर रहे हैं सर, तीसरे चरण की स्पेसिफिक बात करेंगे। मोहसिन रजा, इटावा मैनपुरी में 2012 में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला, आप अच्छे से जानते हैं सर, इस बार ये गढ़ को ढहा देंगे आप, इसको लेके कितने आशान्वित हैं? ये तो घर है असल में समाजवादी पार्टियों का। घनश्याम, देखिए जैसा हमारे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के अशोक जी कह रहे थे जी, हमारी एक चीज समझ में आई नहीं इस पूरे चुनाव के दौरान, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बहुजन समाज रही हो, हमारे इस विकास और जो विकास में परिवर्तन की लहर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इससे घबराए हुए हमसे सवाल करने लगते हैं, हमसे ये सवाल करते हैं कि साहब आपने केंद्र में क्या कर दिया। केंद्र का जवाब आपको 19 में देना है हमको, हम 19 में जनता को जवाब देंगे और जब जब जनता समझेगी कि जवाब के लायक नहीं सर, वो इसलिए भी तो पूछते ना, अगर आप 19 के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे अगर यूपी में फाइट करेंगे, मोहसिन रजा, अगर 2019 के कॉन्टेक्स्ट से पीएम के फेस पे आप अगर यूपी में चुनाव करेंगे, उसकी फाइट करेंगे पीएम के फेस पे, तो ये सवाल पूछेंगे। हालांकि आपका बिल्कुल दुरुस्त कहना है कि ये चुनाव विधानसभा के हैं, लेकिन सर राष्ट्रीय चेहरों के साथ राजनीति यूपी में करेंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना, 2.5 साल तो आपको भी हो गए असल में। केंद्र के कार्य कर रही है केंद्र सरकार, उसका फायदा तो सारे राज्यों को हिंदुस्तान के पहुंच रहा है। बात यहां पर जो आपने इटावा की शुरू की, तो आपकी तो उनके घर से ही उनको जो है परेशानी शुरू हुई है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां दस्तक देने जा रही है और ये 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 परिवर्तन की लहर है, सबने देख लिया इतने दिनों में कि क्या किया इन्होंने। मोहसिन रजा, एक बात समझा दीजिए ना साहब, दिखा दिया जनता को कि हमें जब जरूरत पड़ेगी तो जनता को लूटने के लिए हम एक भ्रष्टाचारी से भाई, इटावा मैनपुरी में ने कहा सर, क्या कुंडा राज से भी हाथ मिला लेंगे, ठीक है मोहसिन, तो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाकर प्रदेश की जनता को बर्बाद करने के लिए बढ़ रहे थे। जनता समझ चुकी है, जनता परिवर्तन चाहती है, जनता विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है।
ठीक है मोहसिन भाई, मैं ये समझना चाहता हूँ इटावा मैनपुरी में इनके घर के अंदर की फसाद असल में आपको फायदा पहुंचा रही है या आपका अपना ब्लूप्रिंट लोगों को समझ में आ रहा है? अगर इनके घर की फसाद आपको फायदा पहुंचा रही है तो सर आपका योगदान क्या रहा? वो तो उनके घर का झगड़ा है जो आपको फायदा दे रहा है। मैंने झगड़े की बात नहीं की घनश्याम, मैंने झगड़े की कोई बात ही नहीं की। ये तो झगड़ा तो 6 महीने से चल रहा है, उसको हम कब तक बात करेंगे? सारी जनता देख चुकी है। हम बात कर रहे हैं कि जनता परिवर्तन चाहती है, इस सब चीजों से ऊपर उठकर विकास चाहती है उत्तर प्रदेश का। ये विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जनता निकल रही है। ये जो जनता निकल कर आ रही है नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के विश्वास पर निकल कर आ रही है। जो 14 में दिया था वही 17 में देने जा रही है। ठीक है ठीक है। देवेंद्र प्रताप सिंह भी मेरे साथ कांग्रेस से, ठीक है देवेंद्र जी, सर आपके सहयोगी के पास ही जा रहा हूँ सर। अशोक जी आपके सहयोगी के पास ही जा रहा हूँ, बोलने दीजिए ना उनको भी सर, उनका भी मौका आने दीजिए। सर कांग्रेस किस स्थिति में पाती है इस बार? पिछली बार तो 2 सीटें ही थी आपके पास, लेकिन इस बार तो 7 है असल में साइकिल का। ये आंकड़ा कितना बढ़ जाएगा आपको लगता है इस अलायंस के जरिए? घनश्याम जी मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के 2017 के विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, ये उत्तर प्रदेश के जनता के मन का गठबंधन है। ये प्रदेश की जनता चाहते थे कि जिस तरीके से बिना सोचे समझे हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 नवंबर को नोटबंदी किया और प्रदेश की जनता को, पूरे देश की जनता को परेशान करने का काम किया। अच्छा। उनकी गाढ़ी कमाई, उनकी मेहनत की कमाई, उनके खून पसीने की कमाई उनके काम नहीं आया। उनके बच्चे बीमार हुए, बच्चे बिना दवाई के मर गए, लाइनों में सैकड़ों लोग मर गए। अपने जो लोग जिनके उस समय शादी सहालक का मौसम था, लोगों के जो है बेटियों की शादी थी, तिलक था, गौना था, वो नहीं कर पाए, उनको हार्ट अटैक हो गया, वो मर गए। इतना बड़ा कदम केवल चंद 50 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। और वो जुमलेबाजी जो 2014 के आप कहते हैं घनश्याम जी कि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है, सेंट्रल के चुनाव आएगा, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कहते हैं कि जब 2019 में चुनाव आ जाएगा तब बात किया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली बात तो हमारे समाजवादी प्रवक्ता कहे सही बात कहा कि मोदी जी उत्तर प्रदेश में चेहरा बन के लड़ रहे हैं, तो उनके ऊपर बात तो उठेगी। दूसरी चीज, वो 73 आज वो प्रधानमंत्री हैं तो उत्तर प्रदेश के 73 सांसदों के बदौलत हैं, और 73 सांसद आज अपने 73 गांवों का विकास नहीं, जो गोले गांव का विकास नहीं कर पाए। बड़े बड़े जुमले की बाजी की बात, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े जो सपने दिखाना। सर प्रदेश की जनता 8 नवंबर को हुई नोटबंदी के फैसले के मद्देनजर वोट करेंगे या 2012 से जो जिस शासन में वो रह रहे हैं असल में उसके मद्देनजर वोट करेंगे? प्रायोरिटी क्या होगी? घनश्याम सर मैं कहना चाहता हूँ कि लाजवाब सरकार भाई अखिलेश यादव जी ने चलाया है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मैं कहना चाहता हूँ, और जिम्मेदारी आप ही कहेंगे, आप समाजवादी के प्रवक्ता जैसा बोल रहे हैं, मैं कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने 2012 में प्रदेश के जनता से जो भी घोषणा पत्र में वादा किया अक्षरता पूरा किया और उससे ज्यादा काम करके दिखाया है, वही भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। भारतीय जो 2014 में देश की जनता से वादे किए थे एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं किया है, केवल जुमलेबाजी, केवल जनता को परेशान करने का, केवल चंद 50 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को परेशान किया है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, 3 करोड़ लोगों को नोटबंदी का सड़क पे आ गए हैं, हमारे छोटे मजदूर जो उद्योग धंधे करने वाले लोग उनके रोजगार बंद कर हो गए हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का घनश्याम जी, भारतीय जनता पार्टी का बेस सरकार ने शानदार काम किया, वो बेस समाज से नाराज हो गया है। उत्तर प्रदेश में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है और 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करके 2019 में मैं इनको पूरे देश से शिकस्त देने का काम करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है देवेंद्र जी, तो अब मैं समझ पाया असल में अखिलेश सरकार ने जो लाजवाब काम किया, जितने वायदे पूरे किए उससे वशीभूत होकर कांग्रेस मजबूर हो गई
इस अलायंस को करने के लिए और बार बार आपको ये एहसास दिलाते रहे अलग अलग लोग कि आपकी हैसियत तो दो सीट पाने की नहीं थी, 100 सीटें से ज्यादा आपको दे दी गई। ये आत्मसमर्पण आपने इसलिए किया क्योंकि आप जानते हैं कि अखिलेश जैसा जादू और कोई नहीं कर सकता, आपके राहुल भी नहीं कर सकते। क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ? अलायंस इसीलिए किया सर। घनश्याम सर, मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, आज हिंदुस्तान के सामने देश के जमहूरियत को, देश को, लोकतंत्र को बचाने की बात है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, इस देश के लोकतंत्र को चंद पूंजीपतियों के उसमें हाथ में बेचना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस सैक्रिफाइस की पार्टी रही है। कांग्रेस बड़े बड़े उद्देश्य के लिए आज समाजवादी पार्टी के साथ समझौता किया है। ये सांप्रदायिक लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, ये अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, करने वाले लोग हैं। देवेंद्र जी, ये काम लोगों को, जनता को, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं, जो अब कभी वोट कभी पूरा होने वाला नहीं है। एक बात करती है वो हो चुका है, ठीक है। तो आप बोलते बोलते ये भी बोल गए असल में कि सपा लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। सर, इस उत्तेजना में ये तो सोच लीजिए किस किस के नाम बोल रहे हैं। बसपा को बोले थे, ये क्या बोल गए? ये तो गठबंधन से पहले वाला बयान बोल गए क्या? मैंने भाजपा को बोला है, भाजपा को बोला था, सपा नहीं बोला। भाजपा सर, मैं आपको रिपीट समझ गया, कांग्रेस समझ गया, बोलना नहीं चाह रहे होंगे। सर, अभी प्रैक्टिस में नहीं है ना, करने के लिए काम कर रही है। आप प्रैक्टिस में नहीं है, तहजीब की पार्टी है, ठीक है, धर्म संभाव की पार्टी है, ये देश के गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, समझ गया सर, पार्टी है, अभी प्रैक्टिस में नहीं है, नया रिश्ता बना है, समझ गया, मैं नया नया रिश्ता बना है सर, अभी आदत भी नहीं है ना आपको, मैं समझ पा रहा हूँ इस बात को, निकल गया होगा सपा मुंह से, लेकिन भाजपा ही आप कह रहे होंगे। लेकिन बता दीजिए गायत्री प्रजापति कौन है सर? ये सर मैं कहना चाहता हूँ, गायत्री प्रजापति कानून का राज होना चाहिए। यदि गायत्री प्रजापति गलत किए हैं तो उनके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो उनके ऊपर FIR हुआ है। तो ये वो सरकार क्यों नहीं कर पाई? कानून सरकार क्यों नहीं कर पाई? लेकिन देवेंद्र जी, वो अखिलेश सरकार क्यों नहीं कर पाई जिसका ढोल पीट रहे हैं आप? ये कोई अपराध नहीं आता देवेंद्र जी, ये बता दीजिए ना फिर, जिस सरकार का ढोल पीट रहे हैं आप, वो सरकार इनको क्यों नहीं टाइट कर पाई? देखिए कानून काम करेगा, मैं अरे कानून क्यों करेगा, सरकार क्यों है सर? राष्ट्रपति शासन लग जाए फिर तो सर, राष्ट्रपति शासन लग जाए ना, आपको वोट क्यों दे? आपको वोट क्यों दे सर? कानून तो कर लेगा। अरे देवेंद्र जी, अगर हर मामले में कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा तो आपको क्यों चुने सर? आपको वोट क्यों दे? समय जाए क्यों करें? मेरी बात सुन लीजिए सर, मैं घनश्याम जी ये कह रहा हूँ सर कि मैं एक गठबंधन के नेता के रूप में कह रहा हूँ, प्रवक्ता के रूप में कह रहा हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते का समय दिया है, हम कहता हूँ मुख्यमंत्री जी से 1 हफ्ते के अंदर जितने जल्दी से जल्दी हो जाए उसकी उसकी जांच करा करके, उसकी निष्पक्ष जांच करा करके, यह गायत्री प्रजापति जो है दोषी पाए जाते हैं तो उनको कानून सम्मत सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ये मेरी मांग है। ठीक है अशोक देव जी, इस तीसरे चरण पे लौटते हैं सर, क्योंकि बातें जब समाजवादी पार्टी के करते हैं तो बहुत सारी चिट्ठियां अपने आप खुलने लग जाते हैं, लेकिन इस तीसरे चरण की बात करें तो कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे विधायक हैं जिनको टिकट नहीं दिया गया, उनकी नाराजगी का कितना बड़ा खतरा है? क्योंकि हमने खुद देखा जब इटावा मैनपुरी में अखिलेश यादव पहुंचे, वहां उनकी सभाएं हुई तो उनके भाषणों से वो खतरे का आभास महसूस हो रहा था, वो जान रहे थे, समझ रहे थे कि हाँ कुछ लोग हैं ऐसे जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये नुकसान कितना डरा रहा है आपको इस बार? घनश्याम जी, मैं आपसे दोहराऊंगा, ये बात बताऊंगा आपको कि जो घोषणा पत्र था समाजवादी पार्टी का 2012 का, उसको सर घोषणा पत्र नहीं पूछ रहा सर, मैं बागी पूछ रहा हूँ सर, मेरी बात मैं बागी पूछ रहा हूँ, जिनको हटा दिया वो पूछ रहा हूँ के नाम पे, हम साइकिल के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो कोई व्यक्ति है अगर वो चुनाव लड़ने लायक नहीं था, वो जीतने की स्थिति में नहीं था, उसको टिकट नहीं दिया गया, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्रदेश के हर वर्ग के लोग, चाहे वो युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सब समाजवादी पार्टी के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के विकास के साथ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, इसलिए कहीं कोई शक नहीं है। समाजवादी पार्टी तीसरे चरण में 50 से ज्यादा सीटें निकाल रही है और जो 3 चरण हो रहा है इसमें आधा से अधिक सीट हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अशोक देव जी, अभी फतेहपुर में हम सुन रहे थे पीएम साहब को, वो कह रहे थे कि अखिलेश का चेहरा आज बिल्कुल उतरा हुआ था, जबान साथ नहीं दे रही थी, एहसास हो चुका है असल में कि इस गढ़ में
वो वाली बात नहीं रही जो 2012 में थी, घर में भी बेगाने हो गए अखिलेश यादव। असल में घनश्याम जी एक बात कह दूं आपसे, प्रधानमंत्री जी हर सभा में नए नए जुमले बोलते हैं, यही इनके कारनामे हैं, इनके कारनामे बोलते हैं। मैं अभी याद दिला दूं आपको, इन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि जब मेरी सरकार बनेगी 14 दिन में किसानों का जो है मुआवजा दे देंगे, ऋण दे देंगे, पूरी भरपाई कर देंगे गन्ना किसानों का। 2014 में जब गन्ना किसानों से यही वादा किया था कि हम जो है 50% समर्थित मूल्य बढ़ा देंगे, लेकिन क्या बढ़ाए, 10 रुपया प्रति क्विंटल केवल गन्ना बढ़ाया गया। लेकिन अपने जो मित्र थे, जो उद्योगपति मित्र थे, चीन मालिक थे, चीनी मिल के जो मालिक थे, उनको 4400 करोड़ रुपया दिए। ये किसके मित्र हैं, किसके दोस्त हैं, किसके लिए कर रहे हैं? ये केवल 2-5% लोगों के लिए कर रहे हैं, 95% लोगों के लिए कोई काम ही नहीं कर रहा है। असल में लड़े हार मान जाना भी बेवकूफी होगी, आप नहीं भी मानेंगे। इनके नए नए जुमले हैं, अभी तो तीसरा चरण है, समझ रहा हूँ सर, इस तीसरे चरण में बहुत जद्दोजहद है। काम बोलता है, माफी के साथ रोक रहा हूँ।